तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग अच्छी सेंट्रिक बताऊँगा जिसको करने बाद आप अपने सैमसंग मोबाइल को बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आपका सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, चाहे कितना भी पुराना हो, यदि आपका फ़ोन बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है तो जो मैं आपको सेटिंग अच्छी सेंटिंग बताऊँगा उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपका सैमसंग फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो यदि आप भी अपन सैमसंग फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेटिंग को करने के लिए आपको आ जाए फोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद जो मैं आपको टिप सेंटिंग का सेटिंग बताऊँगा आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यह आपके फ़ोन में 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट होगा। तो आपको इसे 30 सेकंड पर कर देना। 30 सेकंड पर कर देंगे तो क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो यह 30 सेकंड बाद आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं खत्म होगा। तो इसे आपको कर देना, इससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो इस सेटिंग को आपको कर देना, देन आपको बैक आना। उसके बाद चलिए मैं आपको एक सेटिंग और दिखाता हूँ। यहाँ पर आना लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पर आपको आ जाना। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको आ जाना। यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन, यहाँ पर सभी का नोटिफिकेशन ऑन रहता है। तो ऑन होता तो आप अपन मोबाइल को चार्ज में लगा देते तो नोटिफिकेशन आता तो बार बार आपका स्क्रीन बढ़ जाता है कि आपका फ़ोन थोड़ा स्लो चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर का कुछ ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसका ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है, उसे आप बंद कर सकते हैं। इससे भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो आपको जो भी बंद करना होगा उसका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपने सैमसंग फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आ जाना फोन के अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाकर बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो चलिए 7 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं। 7 बार क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आपको डेवलपर ऑप्शन में प्रवेश करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन में आने बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर USB डेमो का सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको ऑन कर देना। इससे आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो इसे भी आपको डेफिनेटली कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको फोर एक्स एम एस डबल ए अभी आपके सेटिंग में मोबाइल में सेटिंग दिया होता है, आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसे भी आपको ऑन कर देना। इससे भी आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। इसे भी आपको बंद कर देना। उसके बाद आपको अपन ब्लूटूथ, वाईफाई और डाटा लोकेशन को सभी को बंद रखना जब भी अपने फ़ोन को आप चार्ज में लगाएगा। इससे भी आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, इन सभी सेटिंग को आपको कर देना। उसके बाद आपका सैमसंग फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। दोस्तों, यदि आप अपने सैमसंग फोन का आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसकी बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने उस वीडियो बनाया आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।